हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज 9 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू स्टार्ट लैब एक्टिविटी। हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि हम मिक्स बैग क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे चैप्टर 7 के, बट दैट मिक्स बैग क्वेश्चन आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टुडे आई वांट टू स्टार्ट द मैथ्स लैब एक्टिविटी, सो लुक हियर केयरफुली। ओके, यू नो अबाउट दैट there are the different lab activities has been given in your syllabus. In your annual examination syllabus only one math lab activity has been given. आपके annual examination में सिर्फ एक ही lab activity दी हुई है। क्या दे रहा है? ये वही lab activity, look here. To make rectangles of different dimensions on a square paper. आपको क्या करना है? Different dimensions के square paper पर आपको rectangle बनाने हैं। यानी आपको पहले रेक्टेंगल लेना है, देन आफ्टर दैट उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस के स्क्वायर पेपर लेंगे, देन आफ्टर दैट उसमें डिफरेंट डायमेंशंस के आप क्या रेक्टेंगल बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे यूजिंग 12 एडजेसेंट स्क्वायर। यानी कि आप उसमें कितने स्क्वायर का यूज करेंगे, 12 का। ओके, एंड कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ईच रेक्टेंगल। और वो जो स्क्वायर पीसेस होंगे जिसके बेस पर आपने क्या रेक्टेंगल अपना बनाया होगा, उसके आप क्या रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करेंगे। Okay, so look here, how can we solve it? This is the object, so you know about that when you want to solve the lab activity. So in the initial stage, you will write the objectives or aim. Okay, so here I will write the objectives also. This is the question also. Okay, then after that, what are the materials required? So here we will write about that material required. हमको क्या क्या material की requirement होगी, listen here. फर्स्ट स्क्वायर पेपर, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, स्क्वायर पेपर। देन आफ्टर दैट इफ यू वांट टू रिक्वायर एनी टाइप ऑफ द कलर्स, सो यू कैन आल्सो ऐड द कलर्स। ओके, स्क्वायर पेपर्स, सेकंड कलर्स, थर्ड सीजर्स। व्हाई यू हैव रिक्वायर्ड सीजर्स, बिकॉज यू हैव वॉन्ट टू स्क्वायर पेपर, तो आप पेपर को क्या करेंगे, स्क्वायर की शेप में कट करेंगे, सो यू हैव रिक्वायर्ड द सीजर्स ऑल्सो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग यू हैव रिक्वायर्ड ग्लू या फेविकॉल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्लू हो गए या फेविकॉल। ओके, देन फिफ्थ स्केल यानी रूलर, यू हैव रिक्वायर्ड द रूलर ऑल्सो, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट यू हैव रिक्वायर्ड द रूलर। यू कैन राइट रूलर, रूलर को आप क्या कह सकते हैं, मेजरिंग स्केल या स्केल। ओके, सो दीज आर द मेटेरियल्स दैट यू हैव रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टू रिक्वायर टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू, हाउ कैन वी प्रिपेयर इट। सो फॉर दैट एवरीथिंग यू हैव रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक नॉलेज, सो नेक्स्ट हेडिंग यू विल राइट अबाउट द नॉलेज रिक्वायर्ड। यानी आपको स्क्वायर पेपर को रेक्टेंगल में ड्रॉ करते समय, बनाते समय, पेस्ट करते समय किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, देन आफ्टर दैट आप क्या फाइंड आउट कर सकें, एरिया एंड पेरीमीटर। सो आपको पहले किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पेरीमीटर एंड एरिया, नॉलेज ऑफ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया। सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट नॉलेज रिक्वायर्ड, नॉलेज रिक्वायर्ड। ओके, थर्ड थिंग दैट इज बेस्ड ऑन द, आपको पहले कौन सी स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर। नॉलेज ऑफ कैलकुलेटिंग, नॉलेज ऑफ कैलकुलेटिंग, नॉलेज ऑफ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। इट मींस आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टॉट टू यू अबाउट इट, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का, और एरिया क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई ऑलरेडी प्रोवाइड द फॉर्मुलाज ऑल्सो। हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूले भी बताए हैं। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ एरिया, देन यू विल यूज द फॉर्मूला 2 इनटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एरिया, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देन यू विल पुट दैट फॉर्मूला। देन अनदर थिंग, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन यू विल यूज द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ।
अगर आपको एरिया बताना है रेक्टेंगल का, देन आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्लियर? सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा. ओके, देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स के हमारा जो क्वेश्चन है उसके बेस पर मटेरियल रिक्वायर्ड समझ में आया होगा, नॉलेज क्या आपको चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ लुक हियर हाउ कैन वी प्रिपेयर इट. सी हियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी विल कट द स्क्वायर्स. हम क्या करेंगे, प्लेन पेज पर या प्लेन चार्ट पेपर पर हम स्क्वायर्स को कट कर लेंगे. ओके, आई हैव टेकन द स्क्वायर्स, हमारी जो स्क्वायर की हमने लेंथ ली है वो 2 सेंटीमीटर ली. यू नो अबाउट दैट स्क्वायर क्या होता है, जिनकी चारों साइड से खोलोगे तो हमारा ये चारों साइड से क्या है, 2 सेंटीमीटर है. सो हम क्या ले रहे हैं, एक स्क्वायर ले रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ दैट टाइप ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर. हम एक स्क्वायर की जो लेंथ ले रहे हैं, साइड की जो लेंथ ले रहे हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द 2 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट वी विल पुट इट इन योर कॉपी. ओके, आप पहले इसके बाद क्या लिखेंगे, आप इसके बाद लिखेंगे मेथड. मेथड आपको करना है, हम समझाएंगे एंड यू विल सॉल्व द मेथड. हमारी ड्यूटी क्या है, समझाना है कि हमने किस तरह इस लैब एक्टिविटी को सॉल्व किया है, एंड आपकी ड्यूटी क्या है, उस मेथड को एप्लीकेबल करना, उस मेथड को क्या अप्लाई करना और उसे लिखना स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ये लिया स्क्वायर पेपर 4 सेंटीमीटर का और उसको आप अपनी कॉपी में पेस्ट करते जाएंगे. ठीक है, आपको ये पता ही है आप इसमें किस तरीके की कॉपी यूज करते हैं, इंटरलीफ कॉपी यूज करते हैं. सो ये जो पेस्ट करेंगे आप जहां ब्लैंक पेपर होगा उस साइड आप पेस्ट करेंगे. दो पार्ट होते हैं इंटरलीफ में, एक साइड आपका लिखा रहता है, एक साइड ब्लैंक रहता है. सो आप ये जो डायग्राम पेस्ट करेंगे आप ये ब्लैंक साइड में पेस्ट करेंगे. ओके, व्हेन यू विल पेस्ट इट, यानी आपको करना क्या, हम इसको रन कर दे रहे हैं. सो ध्यान से देखिएगा, देन आफ्टर दैट हम आपको मेथड बताते हैं, मेथड की हेडिंग डाल करके आपको किस साइड उसे पेस्ट करना है, लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी. ओके, सो लुक हियर स्टूडेंट सी द मेथड. ठीक है, हमने मेथड के लिए आपको ये दो पार्ट में बांट दिया. सपोज करिए कि आपका ये रूलर वाला पेज है, इंटरलीफ कॉपी है. सो ये आपका क्या रूल वाला पेज है इस साइड आपके. ओके, एंड देन इधर आपको क्या दे रहा है, इधर ब्लैंक दे रहा है. ओके, दिस इज द ब्लैंक पेज इन योर लेफ्ट हैंड साइड. ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ब्लैंक है. सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यहां क्या करें, 12 एडजेसेंट स्क्वायर्स हमने आपको ये भी दिखाया. हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर पीसेस के अकॉर्डिंग का आप इसको क्या 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीस काटेंगे. ओके, देन हाउ मेनी पीसेस, 12 दिया है. सो आप क्या करेंगे, 12 स्क्वायर पीसेस को कट करेंगे एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच स्क्वायर फिगर इज, ईच स्क्वायर पेपर इज 2 सेंटीमीटर. यानी स्क्वायर है तो आपकी चारों साइड्स क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी, तो हम ये 2 सेंटीमीटर के पीसेस को कट करेंगे. ओके, देन पेस्ट 2 adjacent square टू ईच अदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल. हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, ये हमारे ब्लैंक साइड में आपका रेक्टेंगल 1 बनाएंगे. ओके, सो आप जब मेथड लिखेंगे, सो फर्स्ट मेथड क्या लिखेंगे, कट आउट 12 स्क्वायर पीसेस. ओके, एंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर पीस इज 2 सेंटीमीटर. आप साथ में क्या लिखेंगे, हम 12 स्क्वायर पीसेस कट कर रहे हैं एंड उनकी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर है. आप इसे मेथड नंबर 1 में राइट डाउन लिखेंगे करेंगे. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इन द इन योर लेफ्ट हैंड साइड आप ब्लैंक साइड में क्या करेंगे, 2 पीसेस को आप पेस्ट करेंगे. दिस इज द पीसेस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर आप क्या करेंगे, 1 by 1 पेस्ट करेंगे. किस तरह पेस्ट करेंगे, हम यहाँ डायग्राम बना दे रहे हैं. ओके, क्योंकि ये पेपर बोर्ड पे तो पेस्ट नहीं होगा, आप ये दोनों एक साथ क्या पेस्ट करेंगे इस तरह. ठीक है, एंड यू नो अबाउट दैट साइड कितनी है हमारी, ईच पेस्ट ईच साइड रेक्टेंगल की साइड क्या आपको पता है 2 सेंटीमीटर है. इट मींस इस साइड आपका क्या है, ये आपका क्या होगा 2 सेंटीमीटर, यानी आपका ये 2 सेंटीमीटर हो गया. एंड यू नो अबाउट दैट स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. सो 2 ये भी है 2 ये भी है, तो टोटल कितना होगा ये 4 सेंटीमीटर. सो हमने क्या किया, पहला रेक्टेंगल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ द पेपर. ओके, देन आप इस तरह के टोटल 4 रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. एक हमारा ये हो गया, सेकंड हम लेते हैं रेक्टेंगल टू ड्रॉ करेंगे. रेक्टेंगल टू हम ड्रॉ करने के लिए इस तरह के स्क्वायर पीसेस को क्या 3 पीसेस ले लेते हैं, देन हम पेस्ट करेंगे. सो इन दिस आप इसी के जस्ट पीछे क्या 3 पीसेस लेकर के पेस्ट करेंगे. स्क्वायर हमने 3 पीसेस ले लिए, 1, 2 and 3. देन आफ्टर दैट यू कैन सी अबाउट दैट हमने 3 पीसेस लिए हैं एंड ब्रेथ तो आपको वही होगी कितनी 2 सेंटीमीटर. ये ब्रेथ आपकी कितनी है, आपकी 2 सेंटीमीटर है. देन आफ्टर दैट आपकी जो लेंथ होगी 2 plus 2 plus 2 = 6 सेंटीमीटर. ये लेंथ आपको कितनी मिलेगी,
6 सेंटीमीटर की मिलेगी. सो दैट इज बेस्ड ऑन योर रेक्टेंगल 2. इसी तरह हम रेक्टेंगल 3 ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल 4 ड्रॉ करेंगे. सो रेक्टेंगल 3 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके 4 पीसेस ले लेंगे. ओके, सो हम इसके 4 पीसेस इसी के जस्ट नीचे लेते हैं. ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल 3rd, रेक्टेंगल 3rd में 4 पीसेस हैं, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर है. ध्यान रखिएगा, सो आपको चारों क्या लेना है, इक्वल लेकर पेस्ट करना है आपको. क्लियर स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट यू नो अबाउट दैट ब्रेथ आपको कितनी दे रहा है, 2 सेंटीमीटर. इनकी ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है. एंड 2, 2, 2 कितने पीस हमने पेस्ट किए, 4 पेस्ट किए. सो हियर वी विल राइट इट 8 सेंटीमीटर. यानी 2, 2 के 4, यानी क्या टोटल कितने हो गए आपके, 8 सेंटीमीटर हो गए. दैट इज बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल 3. एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं हम इसमें, रेक्टेंगल 4. लुक हियर, यहाँ थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल 4 बना ले रहे हैं. ओके, रेक्टेंगल 4 आप इसको जस्ट नीचे बनाइएगा या नेक्स्ट पेज बनाइएगा, अगर एक पेज में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पेज बनाइएगा. हम इस तरह पेस्ट कर रहे हैं इसको, 1, 2, 3 एंड देन 4. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन द 2 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी होगी हमारी, 2 सेंटीमीटर. देन लेंथ क्या होगी, 2 की आप 3 ले लीजिए. लेंथ क्या होगी आपकी, 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर. क्लियर? सो वी विल पेस्ट एज लाइक दिस ऑफ ईच एंड एवरी स्क्वायर एंड इट विल शोज एज लाइक अ रेक्टेंगल. सो मेथड 1 में क्या लिखेंगे, कट 12 स्क्वायर पीसेस एंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर. दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम योर मेथड 1. देन पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, पेस्ट 2 स्क्वायर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ एंगल. हमने क्या 2 स्क्वायर पेस्ट किए एडजेसेंट, यानी क्या साथ में ही अटैच करते हुए, दैट फॉर्म अ रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है. देन आफ्टर दैट आपने रेक्टेंगल 2 बनाया था. सो इन द थर्ड पॉइंट, इन द थर्ड हेडिंग ऑफ योर मेथड, आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, पेस्ट 3 स्क्वायर्स एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल. हमने क्या किए थे, 3 स्क्वायर हमने एडजेसेंट किया, एक साथ ही अटैच किए थे, देन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. देन आफ्टर दैट रेक्टेंगल 1 हो गया, रेक्टेंगल 2 हो गया. अब रेक्टेंगल 3 के लिए आपने कितने स्क्वायर पेस्ट किए थे, देयर आर द 4 स्क्वायर्स दैट वी हैव पेस्टेड हियर. आप क्या लिखेंगे, पेस्ट 4 स्क्वायर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल. ये हमारे 4 स्क्वायर जो हमने फॉर्म किए थे, हम इसके बेस पर क्या लिखेंगे, हमने 4 स्क्वायर एडजेसेंट वे में पेस्ट किए टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. देन आफ्टर दैट पेस्ट 3 स्क्वायर 1 बिलो द अदर. हमने क्या, ये हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिए, ये वर्टिकल वे में लिए. सो एट दैट टाइम क्या, इट विल बी पेस्ट 3 स्क्वायर्स 1 बिलो. हमने एक के नीचे एक पेस्ट किए, 1 बिलो द अदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल. ओके, देन आफ्टर दैट कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल अबव 4 रेक्टेंगल्स फॉर्म. यानी क्या, लास्ट 6 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर, जो भी हमारे डायग्राम्स बने हैं इसके बेस पर क्या, हम इनका एरिया और रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट. इधर हम मेथड को रफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमने मेथड नहीं लिखा है, लेकिन हमने आपको सिर्फ ये बताया कि कैसे आपको लिखना है. ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट पेज यू विल राइट अबाउट द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन हम लिखा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ मेथड लिखने की. ओके, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, हमने इसलिए सिर्फ नहीं किया है बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. सो ऑब्जर्वेशन क्या, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1. फर्स्ट क्या है, यू नो अबाउट द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक वी विल पुट इट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ. एल इन टू बी, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2. सो 4 2 8 वॉट स्क्वायर सेंटीमीटर. यू नो अबाउट दैट जो भी आपका एरिया आता है आप उसे स्क्वायर में लिखते हैं. सो हियर वी राइट 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन आफ्टर दैट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, देन पेरीमीटर क्या लिखेंगे आप, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू लेंथ कितनी आपको 4 दे रहा है, ब्रेथ कितनी दे रहा है 2. सो 2 इंटू 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 12 वॉट सेंटीमीटर.
सो जैसे हमने ऑब्जर्वेशन वन किया उसी तरह हम ऑब्जर्वेशन टू भी करेंगे. सो लुक हियर हाउ, सो हम अब इसको पूरा पेस्ट रफ कर रहे हैं. सो लुक हियर आई विल फाइंड आउट द एरिया एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द नेक्स्ट फिगर. ओके, 6 और 2 दे रहा है, यहाँ 8 2 दे रहा है, यहाँ भी 6 और 2 दे रहा है. सो लुक हियर, नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल टू. ओके, सो रेक्टेंगल टू, यू नो अबाउट दैट. अभी हमने आपको पेस्ट करके बताया था, ड्रॉ करके बताया था कि व्हाट इज द साइज ऑफ द रेक्टेंगल टू. लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. सो हियर वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ 60, ब्रेथ क्या थी 2 थी, तो कितना 6 2 12 12 व्हाट स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, बिकॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट हैज बीन गिवन हियर सेंटीमीटर. सो हियर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन आफ्टर दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमने एरिया निकाल लिया, पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ हैज बीन गिवन 6 एंड ब्रेथ हैज बीन गिवन 2. सो 2 इंटू 6 प्लस 2 8, 8 इज 16 सेंटीमीटर. सो दैट इज द पेरीमीटर यू हैव फाइंड आउट दैट ऑफ द रेक्टेंगल 2. हमको क्या मिल गया, रेक्टेंगल 2 का एरिया एंड पेरीमीटर हमको फाइंड आउट हो गया. नाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. सो हियर वी विल फाइंड आउट हियर. आप इसको नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, नीचे लिखते जाइएगा जैसी भी जगह आपको मिले कॉपी में. सो हमारा ये कीबोर्ड है तो हम यहां शो कर रहे हैं सर. सो रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 3 फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. आपको ये पता है हमने थर्ड रेक्टेंगल में कितने हमने स्क्वायर पीसेस को पेस्ट किया था, 4. इट मींस हमारी लेंथ कितनी होगी, 4 2 8 एंड ब्रेथ इज 2. इट मींस 8 इनटू 2 इक्वल टू 16. 16 व्हाट स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी हैव गॉट द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. नाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ, व्हाट इज द, व्हाट इज द लेंथ हैज बीन गिवन 8. 8 प्लस 2, इट मींस 2, 8 प्लस 2 10. 10 इंटू 2 20. 20 व्हाट सेंटीमीटर. सो वी हैव गॉट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द थर्ड रेक्टेंगल ऑल्सो. नाउ सी द फोर्थ रेक्टेंगल ऑल्सो. नाउ रेक्टेंगल 4, यू नो अबाउट दैट रेक्टेंगल 1 2 एंड 3 हैज बीन ड्रॉन, हैज बीन पेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल वे. हमने उसको हॉरिजॉन्टल वे में शो किया था, बट रेक्टेंगल 4 जो था वो हमारा क्या था, वर्टिकल था. ओके, सो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, लेंथ आपको कितनी दे रहा था इसमें, 6 दे रहा था, एंड ब्रेथ आपको कितनी दे रहा था, 2. सो हियर वी राइट 6 इनटू 2 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ. यानी कि आप क्या करेंगे, 2 में लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 2 इंटू लेंथ 6, ब्रेथ 2. सो 6 प्लस 2 8, 8 टू 16, 16 व्हाट सेंटीमीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द फॉर्मूला, वी हैव फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग इन द लास्ट स्टेज यू विल राइट अबाउट द रिजल्ट ऑल्सो. ओके, सो इन द रिजल्ट यू विल राइट इट. आपको क्या रिजल्ट मिला है, कंक्लूजन आप लिख सकते हो, रिजल्ट लिख सकते हो, बट दिस इज द मैथमेटिक्स. सो हियर यू विल राइट अबाउट द रिजल्ट. सो रिजल्ट आपको क्या मिला है, यू हैव फॉर्म 4 रेक्टेंगल एंड 4 रेक्टेंगल दैट यू हैव फॉर्म हैव बीन फॉर्म द डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट देयर एरिया एंड पेरीमीटर. सो हियर यू विल राइट अबाउट दैट 4 रेक्टेंगल्स हैव बीन फॉर्म, 4 रेक्टेंगल्स हैव बीन फॉर्म. हमने क्या किए थे, 4 रेक्टेंगल को फॉर्म किया था. सो 4 रेक्टेंगल हैव बीन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के हो गए थे हमारे, क्योंकि हमने स्क्वायर को डिफरेंट डिफरेंट वे में शो किया था, ऑफ डिफरेंट
डायमेंशंस, यहां नीचे लिख देते हैं, यहां नहीं आएगा, डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस एंड देयर एरियाज एंड पैरामीटर हैव बीन कैलकुलेटेड. डिफरेंट डायमेंशंस के हमने पहले ड्रॉ किए, पेस्ट किए, फॉर्म किए रेक्टेंगल, देन आफ्टर दैट उनके हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट किए, एंड देयर एरियाज एंड देयर एरियाज एंड पैरामीटर्स एंड देयर एरियाज एंड पैरामीटर्स हैव बीन कैलकुलेटेड. पैरामीटर्स हैव बीन कैलकुलेटेड. सो स्टूडेंट्स योर एक्टिविटी इज कंप्लीटली फिनिश्ड हियर. आपकी एक्टिविटी वाली फिनिश हो गई है. आपका आज का होमवर्क क्या है? यू विल राइट द मेथड्स. हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, आप इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे हमने बनाया है, आपको उसके मेथड्स लिखने हैं. दैट इज योर टुडेज होमवर्क. ओके, इन दिस लैब एक्टिविटी इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. आपकी ये लास्ट एक्टिविटी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और यही आपकी एक एक्टिविटी आपको एनुअल एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी दी थी. ओके, सो योर लैब एक्टिविटी वर्क हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द मिक्स्ड बैग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7. ओके, सो इन द मेन ड्यूरेशन स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करिए. ओके, मेथड्स राइट करिए. अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए. ओके, बट स्टडी. ओके स्टूडेंट्स.